तो बच्चा वही सम कंटिन्यू करते हैं जो आगे था, लेकिन ये सेकेंड नंबर का सम है जिसमें दिया हुआ है an इज इक्वल टू 4d2 s 14 माइनस 14 n एंड ad है, n एंड a ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ ध्यान से समझो, यहाँ पे हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसका क्या यूज कर सकते हैं। an की फॉर्मूला यूज करोगे तो आप बोलोगे सर हमारे पास d है, हमारे पास an है, आप बोलोगे सर हमारे पास और कुछ नहीं है, तो ये समझ में आ रहा है। अभी आप बोलोगे सर हम Sn की फॉर्मूला यूज करते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे d है, यहाँ पे पास Sn है और आपके पास बस और कुछ नहीं है। तो आप बोलोगे सर आपके पास क्या नहीं है, तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ सिंपल सी बात है a एंड n दो चीज हमारे पास नहीं है। तो हम फॉर्मूला भी आप बोलोगे सर एक और यूज करनी पड़ेगी Sn की, जो हमने ये बच्चा है फॉर्मूला को मैं समझा रहा हूँ ये वाली भी यूज कर सकते हैं। देखो कौन सी, तो ये 2 है उसकी जगह हमने क्या ले लिया a प्लस a एन माइनस 1d। तो आप बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है वो उतना यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या है an ही है, तो हम लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस ए एन। ध्यान में रखना बच्चा ये वाली फॉर्मूला आपको पता ही है, when an is given we can also use this formula। तो बच्चा ये ध्यान में रखना, ये फॉर्मूला मैंने खाली आपको समझाई डिराइव करके, आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रहती है तो सही बात है। तो आप बोलोगे n तो सर हमें Sn तो पता है कितना है माइनस 14, n हमें नहीं पता। आप बोलोगे ए भी पता है 4 और ए एन भी पता है, ए एन कितना है, तो आप बोलोगे सर ए आपको नहीं पता है। तो जैसे बच्चा ये होगा तो हम क्या करेंगे, पहले दो इक्वेशन ढूंढ लेते हैं और उसके बाद कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप बोलोगे ए एन सर लिखो 4, यहाँ पे ए, एन तो हमें पता नहीं है एन माइनस 1 और यहाँ पे डी, तो 4 इज इक्वल टू यहाँ पे आप लिखोगे 2n माइनस 2, आगे सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे 4 प्लस 2 ए प्लस 2n, तो आप 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। तो ये पॉइंट कंप्लीट हुआ। आप बोलोगे Sn की जगह सर यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 14, n का तो हमें पता नहीं है, 2a आप बोलोगे सर यहाँ पे बच्चे आप बोलोगे n तो सर हमें पता नहीं है और d हम बोलेंगे 2। आप बोलोगे सर ये इक्वेशन को हम a के फॉर्म में लिख लेते हैं तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे 14 इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पे n, ये जो है 2 की जगह 2 और a की जगह ये पूरा पॉइंट 6 माइनस 2n, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2, तो आप बोलोगे 28, यहाँ पे n, यहाँ पे 2 के मल्टीप्लाई तो 12 और यहाँ से होगा आप बोलोगे 4n, यहाँ पे आप बोलोगे 2n माइनस 2। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा 28 माइनस में यहाँ पे n लिखा, ये 12 है और ये माइनस 2, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 और यहाँ पे आप करोगे तो माइनस 2n, ये दोनों को करते हो 4n माइनस में है वो प्लस में है तो आंसर आएगा 2n। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होते ये 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे 10n और यहाँ पे करोगे तो माइनस 2n स्क्वायर। आगे चलता है तो यहाँ पे आप बोलोगे 10 अरेंज करते जाते हैं माइनस 2n स्क्वायर, आप बोलोगे प्लस 10n और यहाँ पे आप बोलोगे 28 प्लस में, लेकिन आगे माइनस में है तो बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ से 2 कॉमन निकाल दो। कैसा, माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो माइनस आप बोलोगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस 5n माइनस 14, जैसे ये 2 इससे डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो अभी हम लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14। तो आप बोलोगे 14 के ऐसे पार्ट करो कि जिसमें 5 आए, तो आप बोलोगे 7 2 जा तो 7n प्लस 2n इज इक्वल माइनस 14, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो आप बोलोगे n माइनस 7, यहाँ पे 2n माइनस 7, n माइनस 7, यहाँ पे n प्लस 2 इज इक्वल टू यहाँ 0 कंटिन्यू ही रखते हैं, n इज इक्वल टू 7, n आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0,
तो n इज इक्वल टू 7, n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 2, तो n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे n इज नॉट पॉसिबल, n माइनस 2 इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ पे जैसे ये करेंगे तो आप बोलोगे 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, यहाँ पे 6, ये 2, यहाँ पे 7 इज इक्वल टू a, ये 14, आप बोलोगे सर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू a, तो a की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये मेन पॉइंट खत्म, तो a इज इक्वल टू माइनस 8 हमारा आंसर आया। और दूसरा आप बोलोगे सर हमारा जो a के फॉर्म में है वो आंसर आएगा, तो इसके साथ बच्चा हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एग्जाम के साथ।